हेलो एवरीवन, वेलकम टू साथ में। प्यारे दोस्तों, आज हम सुनो हरियाणा राज्य के 22 जो जिले हैं उन जिलों का गठन कब हुआ तथा उन जिलों के नाम क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें क्योंकि यह HSSC की जितनी भी सभी परीक्षाओं में काफी इम्पोर्टेंट का पार्ट रहेगा। तो हाँ, जब हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा गठन हुआ था 1 नवम्बर 1966 को। इस समय हरियाणा का गठन हुआ था, पंजाब से अलग होकर गठन हुआ था। जब गठन हुआ था हरियाणा के 7 जिले थे। ये 7 जिले अंबाला, गुड़गांव, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़ और करनाल। अगर आपको इन सभी जिलों को याद करना तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है, घर से गए, घर जे के एम, घर जम्मू कश्मीर में, जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से हमारा हो जाएगा करनाल और एम से महेंद्रगढ़। तो घर जम्मू कश्मीर में, तो इस तरह हमारे 7 के 7 जिले जो हरियाणा राज्य का जब गठन हुआ था उस समय के है। हरियाणा राज्य गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। तो इस समय हरियाणा में 7 ही जिले थे। इसके बाद ये इन जिलों के टुकड़े होकर अब तक 22 जिले बन चुके। तो बचे इन जिलों का गठन कब हुआ उनके बारे में हम जानते हैं। आठवां जो हमारा जिला बना था, आठवां जिला बना था भिवानी। भिवानी कब बना था? यह बना था 22 दिसंबर 1972 को। इसी समय भिवानी के साथ साथ दो जिलों को एक साथ बनाया गया, दोनों जिलों को 22 दिसंबर 1972। 1966 के बाद दोबारा जिले बनाने की सरकार की जरूरत पड़ी 1972, तो इन्होंने दो जिले बनाए, भिवानी और सोनीपत। फिर सरकार को दोबारा कुछ ही महीनों बाद, एक महीने बाद दोबारा जरूरत पड़ी, तो 23 जनवरी 1973 को एक नया जिला और बना दिया। ये सही एक महीने बाद ही बना दिया गया। इसके बाद 23 सितंबर को जैसे ही कुरुक्षेत्र को बनाया गया, तो उसके बाद सरकार ने 2 साल बाद 26 अगस्त को नए जिले बनाने की घोषणा की 1975। इसके बाद अगला जिला बना फरीदाबाद। जो यह फरीदाबाद बना था 2 अगस्त 1979 में। यह जिला जो बना है फरीदाबाद, ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम जगह है, ये फरीदाबाद जिला है। और फरीदाबाद में दो जिले एक समय कंफ्यूज होते हैं, फरीदाबाद और फतेहाबाद। तो फतेहाबाद की मैं आगे बताऊंगा, फतेहाबाद और फरीदाबाद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा जिला कब बना। पहले बना है फरीदाबाद, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो सबसे छोटा है। अगले इसके बाद सरकार ने 1979 के बाद सरकार ने जब 4 साल तक कोई जिले नहीं बने, उसके बाद सरकार की 1989 में कृपा हुई। कृपा होने के बाद क्या बना? के आर कृपा हुई। तो उसके बाद सरकार ने 10 साल बाद 1989 में, ये कब हुई? हमारे जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1989 में, जिसमें कृपया में हमारे 4 जिले बनाए गए। 4 जिले कौन से? के से कैथल, आर से हमारा रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। इस तरह ये 4 जिले कैथल, पानीपत, रेवाड़ी और यमुनानगर 10 साल बाद 1979 के बाद 89 में बनाए गए। और ये इन 4 जिलों के बारे में कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि 4 जिलों की कब इन जिलों की स्थापना हुई। इसके बाद जो हमारे चंडीगढ़ से सटा हुआ जो एक ही जिला है पंचकुला, उस पंचकुला के बनाने की आवश्यकता पड़ी। यह जिला हमारा बना स्वतंत्रता दिवस के दिन 1995 में, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला एक नया जिला बनाया गया। पंचकुला के बनने पर फिर से द्वारा सरकार ने कुछ साल पर 2 जिलों के और बनाए, जिसका नाम है फतेहाबाद और झज्जर। डबल एफ है, एक फरीदाबाद होता है, फतेहाबाद होता है। फतेहाबाद बनाया गया, फतेहाबाद जो हमारे हिसार सिरसा के पास पड़ता है, वो झज्जर है जो रोहतक के पास पड़ता है। इन दोनों जिलों को बनाया गया सब 11 महीने बाद 15 जुलाई, एक साल 11 महीने बाद, जैसे 15 जुलाई 1997 आजाद। ये हमारे 15 अगस्त 1995, ये अगला बना 15 जुलाई 1997 को, ये 95 ये 97 है। ये दोनों जिले फतेहाबाद और झज्जर 2 जिले बनाए गए। इसके बाद सरकार ने 4 अप्रैल 2005 को एक नए जिले की और घोषणा की, जो
चार कब की थी, 4 अप्रैल 2005 को यह जिला है मेवात के नाम से घोषणा की थी, लेकिन अब इस मेवात को नूह के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में नूह भी आ जाए तो भी आपको 4 अप्रैल 2005 को ही सही करना है। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पलवल जिला कब बना, यह पलवल जिला कब बना था, पलवल जिला बना था इसमें पूछी जाती है नॉर्मल ईयर की, तो ईयर थी हमारे 2008। अगर इस बार मंथ या डेट पूछते तो ये बना था 13 अगस्त 2008 को। अगला जिला बना जो है सबसे आखिरी जिला, जो भिवानी को काट कर बनाया गया था, वो बनाया गया था चरखी दादरी। यह हमारा सबसे आखिरी जिला है, यह जिला बनाया गया था 4 दिसंबर 2016 को, लेकिन कुछ पेपर में कुछ न्यूज मैगजीन में इसका 4 सितंबर या अक्टूबर भी डेट दे रखी, लेकिन हमारा सही आंसर 4 दिसंबर 2016 को यह जिला बनाया गया। दोस्तों इस तरह हरियाणा सरकार ने अब तक 22 जिलों की घोषणा की है, शायद आगे और भी जिलों की घोषणा, लेकिन अभी तक सिर्फ 22 ही जिलों की घोषणा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो फिर से एक बार आपको रिविजन कर देते, सबसे पहले हरियाणा सरकार ने 1 नवम्बर 1966 जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, तो घर घर जम्मू कश्मीर में, तो इस घर घर जम्मू कश्मीर 4 7 जिलों का हुआ, जी से गुड़गांव, एस से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। तो इसके बाद सरकार ने 1972 में 2 जिलों की घोषणा की, ये 2 जिले भिवानी और सोनीपत, 72 व 73 कुरुक्षेत्र बनाया गया, 3 के करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। पहले करनाल बना था, फिर कुरुक्षेत्र बना था, फिर कैथल बना था। कुरुक्षेत्र बनने बाद अगला जिला बना सिरसा 1975 में। सिरसा के बाद सरकार को फिर फरीदाबाद, जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और क्षेत्रफल जिससे सबसे कम है, वो जिला बनाया। फिर कैथल जो हमारा तीसरा के है, ये हमारे 4 कृपा हुई थी, इसमें कृपा में हमारी कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर, तो 4 जिला बने थे। ये बने थे 19 कब बने थे हमारे चारों जिले, 1979 में हमारा बना, 1979 क्या बना था, 1979 में बना था हमारा फरीदाबाद, और इस कृपा हमारे को भी 1989 में। फिर अगला जिला सरकार ने जो हमारे राजधानी से सटा हुआ है, हरियाणा की राजधानी से चंडीगढ़ से 1995 में बना। फिर 2 जिले बने 1997 में, फतेहाबाद और झज्जर। नूह मेवात को बनाया गया 2005 में, पलवल को 2008 में, और चरखी दादरी को 2016 में जिले को बनाया गया। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को हरियाणा में सिलेक्शन हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप प्लानिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।